जी जो क्वेश्चन नंबर 50 है बिल्कुल सेम है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 49। तो इसमें लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो जे एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस वैल्यू पर लिमिट अप्लाई करेंगे और फिर इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, और अगर दोनों का आंसर सेम आया तो वही हमारा जी एफ एक्स का भी आंसर होगा। तो आइए अप्लाई करते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो इस फंक्शन पर करते हैं 2 - x² तो 2 - 0 का स्केयर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2। अब दूसरे पे अप्लाई करते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो क्या है 2 cos x, तो 2 cos 0 आ गया, तो 2 × cos 0 क्या होता है 1, ये आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, cos 0 1 होता है, तो ये 2 आ गया। तो ये चूँकि देखें दोनों के आंसर सेम आ गए, तो बाई सैंडविच थ्योरम क्या होगा, जो हमारा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो जी ऑफ एक्स है ये वाला फंक्शन, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।